हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू गुड। सो लेट अस डिस्कस द आर्टिकल। फ्रेंड्स, आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले इसका बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। एज वी नो, पिछले कुछ दिनों से यूएस और ईरान के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही है। एंड इसी बीच यूएस ने ईरान के जनरल सुलेमानी को मार गिराया, असैसिनेट कर दिया इराक के अंदर। और उसी का बदला लेने के लिए ईरान ने रिटेलिएशन लेते हुए यूएस के जो बेस कैंप है इराक के अंदर उन पे मिसाइल दागी और काफी सैनिकों को भी मार गिराया। इसी दौरान ईरान से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने यूक्रेन के एक पैसेंजर प्लेन को अपने मिसाइल से टारगेट कर दिया और जो 176 उसमें लोग थे वो मारे गए। सो लेट अस रीड अबाउट इट। मैनमेड डिजास्टर, एक मैनमेड डिजास्टर होता है एक इंसान के द्वारा किया गया डिजास्टर, एक इंसान के द्वारा की गई बहुत बड़ी तबाही बोल सकते हो, डिजास्टर बोल सकते हो। ईरान शुड हैव हैड सेफ्टी स्टेप्स फॉर सिविलियन एयरक्राफ्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी रिटेलिएशन। फ्रेंड्स, मोराज के साथ में हैवाना और देन थर्ड फॉर्म, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम बात करें, जब भी पास्ट के रिगार्डिंग हम एडवाइस देंगे तो मोराज के साथ में हैव का यूज करेंगे। सो ईरान शुड हैव हैड सेफ्टी स्टेप्स। राइटर ने बोला कि ईरान को सेफ्टी स्टेप्स लेने चाहिए थे सिविलियंस एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग, सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनिमी रिटेलिएशन। जब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए, ईरान को चाहिए था कि सेफ्टी स्टेप्स को अडॉप्ट किए जाते सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट इज द शूटिंग डाउन। दो शूट डाउन किया गया ऑफ अ पैसेंजर प्लेन को बाय ईरान मिलिट्री के द्वारा ऑन वेडनेसडे को। A few hours after it had launched missile attack on US troops in Iraq. A few hours after, जब कुछ घंटों के बाद it launched missile, जब इसने missile launch कर दिया, missile attack कर दिया on US troops पे in Iraq, इराक में, is the most tragic outcome of the recent spike. और ये most tragic outcome था जो अभी spike चल रही है दोनों के बीच में, US और ईरान की टेंशन का। So, यहां से यहां तक हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं द शूटिंग डाउन, जो मार गिराना पैसेंजर प्लेन को मार गिराना ईरान के मिलिट्री के द्वारा वेडनेसडे को, इज द मोस्ट, ये सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रेजिक आउटकम था अभी जो दोनों के बीच में टेंशन चल रही है उसका। नेक्स्ट द यूक्रेन जेट, जो यूक्रेनियन जेट था विद 176 अब्रॉड, उसमें 176 यात्री थे, वॉज हिट बाय, उसको हिट किया गया एन ईरानियन सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा शॉर्टली, थोड़ी देर बाद, जस्ट शॉर्टली, क्या शॉर्टली, आफ्टर इट टोक ऑफ, जब इसने उड़ान भरी फ्रॉम तेहरान, तेहरान ईरान की कैपिटल है, यू नो, तेहरान के इमाम कोहामी एयरपोर्ट से। सो जैसे ही उसने तेहरान से अपना टेक ऑफ किया, जस्ट थोड़ी देर बाद ही इसको ईरान की सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा गिराया गया, मार गिराया गया, और उसमें जो भी 176 अब्रॉड थे उनकी डेथ होगी, वो मारे गए। ईरान इनिशियली रिजेक्ट, ईरान ने जो इनिशियली स्टार्टिंग में तो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया वेस्टर्न के असर्शन को, जो वेस्टर्न ने बोला, जो भी वेस्टर्न ने स्टेटमेंट दी उसके रिगार्डिंग ईरान ने स्टार्टिंग में तो मना कर दिया। क्या स्टेटमेंट थी वो, दैट की एन ईरानियन मिसाइल ब्रॉट डाउन द प्लेन। जो वेस्टर्न ने असर्शन दिया, वेस्टर्न ने बताया कि जो ईरानियन मिसाइल है उसके द्वारा इस प्लेन को मार गिराया गया है। तेहरान ऑन सैटरडे सेड, और तेहरान ने सैटरडे को कहा वन ऑफ इस सोल्जर, स्टार्टिंग में तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इट वॉज आर मिस्टेक, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ऑन सैटरडे को तेहरान ऑन सैटरडे को इसने कहा वन ऑफ इट सोल्जर, सोल्जर है कोई, मतलब कोई भी सोल्जर है, वन ऑफ इट सोल्जर, इसके कुछ सोल्जरों में से फायर द मिसाइल, उन्होंने फायर कर दिया मिसाइल को मिस्टेकिंग द जेट फॉर एन एनिमी एयरक्राफ्ट। इस जेट को एक दुश्मन का एयरक्राफ्ट समझते हुए मिसाइल से उड़ा दिया गया, एज इट टर्न टू अ सेंसिटिव एरिया, क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया में आ गया था। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ है। यूएस ईरान टेंशन हैव लेड टू एन एविएशन डिजायर। राइटर कह रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, जो यूएस और ईरान की टेंशन है उसके कारण जो एविएशन डिजास्टर हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन 1988 में इन द लास्ट स्टेज ऑफ इराक ईरान वॉर, जब इराक ईरान वॉर का लास्ट स्टेज चल रहा था, अ यूएस
नेवी वारशिप शोट डाउन, एक यूएस नेवी वारशिप ने शोट डाउन कर दिया ईरान के एयर फ्लाइट को ओवर द गल्फ, गल्फ के ऊपर, किलिंग ऑल 290 पर्सन, जिसमें 290 लोगों की डेथ हो गई थी। देन द यूएस ट्रूप्स, तब यूएस ट्रूप्स ने कहा दे मिस्टूक द प्लेन, उन्होंने प्लेन को मिस्टूक कर लिया, समझ लिया मिलिट्री एयरक्राफ्ट के रूप में समझ लिया, एंड दैट वॉज गोइंग टू अटैक द शिप, जो उनकी शिप पे अटैक करने जा रहा था। ऐसा उन्होंने समझ लिया था, इसलिए उन्होंने उसको मार गिराया। ईरान सेज द सेम टुडे, ईरान ने जो कहा वो आज सेम ही का, इन बोथ इंसिडेंट, दोनों इंसिडेंट में इनोसेंट बिकेम विक्टिम, जो इनोसेंट लोग थे, जो इनोसेंट लोग थे वो विक्टिम हो गए, वो पीड़ित हो गए। हु डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द कन्फ्लिक्ट, जिनको इस कन्फ्लिक्ट के साथ कुछ लेना देना था ही नहीं, दोनों इंसिडेंट पे जो इनोसेंट लोग हैं वो मारे गए। दिस टाइम, अब की बार, इट वॉज यूएस प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स रैकलेस डिसीजन, अब की बार जो डिसीजन था वो यूएस के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनका बेवकूफी भरा डिसीजन था, असिसिनेट करने का सुलेमानी को, दैट पोस्ट बोथ कंट्री, और ये असैसिनेट का जो डिसीजन था उसने पुश कर दिया दोनों कंट्री को, पुश कर दिया ब्रिंक ऑफ वार, एक युद्ध के कगार पे ला खड़ा कर दिया। आफ्टर लॉन्चिंग मिसाइल्स को लॉन्च करने के बाद द यूएस ट्रूप्स इन इराक, यूएस के जो ट्रूप्स थे इराक के अंदर, इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन में फॉर द जनरल किलिंग का बदला लेने के लिए, ईरान मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम वर ऑन हाई अलर्ट। ईरान का जो डिफेंस सिस्टम था वो हाई अलर्ट पे था, और एंटिसिपेटिंग, ये एंटिसिपेट करते हुए कि रिटेलिएट करेगा अमेरिकन स्ट्राइक अटैक, कि अमेरिका है वो रिटेलिएट करेगा, इस चीज को एंटिसिपेट किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने उस पे यूएस के बेस कैंप पे अटैक किया था, और बाद में ईरान है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ अब जो अमेरिका है वो भी रिटेलिएट एक्शन करेगा। ईरान ब्लेम्स, ईरान ने ब्लेम किया ह्यूमन एरर को, उन्होंने बोला कि इट वाज अ ह्यूमन एरर फॉर द अटैक, अटैक के लिए ऑन द पैसेंजर प्लेन, जो पैसेंजर प्लेन पे अटैक हुआ है उसके लिए ह्यूमन एरर ही को ब्लेम किया है। बट व्हाट एवर द कंटेक्स्ट इज, कुछ भी कंटेक्स्ट है, इट कैन नॉट बी अब्डिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैपन। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अब्डिकेट नहीं कर सकते, बच नहीं सकते जो कुछ भी हुआ है। हालांकि वो ह्यूमन एरर था, जो भी कुछ कंटेक्स्ट है, जो भी आपने बोला, इससे आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन सेज, यूक्रेन की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है वो कहती है कि द फ्लाइट टू कोफ, जो फ्लाइट उड़ा था आफ्टर क्लियरेंस, क्लियरेंस के बाद एयरपोर्ट से उनको पहले क्लियरेंस मिला था उसके बाद वो उड़ा था, द एयरलाइन ऑल्सो रिजेक्ट, एयरलाइन ने अब ये भी रिजेक्ट कर दिया कि ईरानियन मिलिट्री क्लेम को, ईरान ने की मिलिट्री ने जो क्लेम किया है एयरलाइन ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। कौन सा क्लेम को रिजेक्ट किया, दैट की द प्लेन की जो प्लेन है वो हमारी जो प्लेन है वो वियर्ड ऑफ हो गया था इट्स रूट, कि उसका रूट है वो गलत दिशा में चल रहा था इसीलिए उसको उड़ाया गया, इस क्लेम को भी एयरलाइन ने रिजेक्ट कर दिया। ईरान एडमिशन, ईरान ने एडमिशन किया है, स्वीकृति की है और अपोलॉजी मांगी है, इज द फर्स्ट, इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, जो ईरान ने इसके लिए माफी मांगी और स्वीकार किया वो ठीक है कि इस दिशा में राइट राइट स्टेप है, बट इट शुड कैरी आउट, लेकिन इसको कैरी आउट करना चाहिए। ठीक है, आपने माफी तो मांग ली, लेकिन आपको चाहिए कि आप कैरी आउट करें अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स को साथ में लेके अ थ्रोंग प्रॉब, एक कंप्लीट प्रॉब होनी चाहिए इन टू वट लेट टू द एक्सीडेंट, एक्चुअली एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या कारण था, इसमें कंप्लीट प्रॉब होनी चाहिए एंड प्रिश किया जाना चाहिए हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल, जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उसको पनिश किया जाना चाहिए फॉर द ह्यूमन एरर के लिए। राइटर ने बोला कि इट शुड कैरी आउट, ठीक है आपने माफी मांग ली, अपोलॉजी मांग ली और अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बट आपको चाहिए कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स को साथ में लो और एक कंप्लीट प्रॉब करो जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ, और पुनिश कीजिए जो भी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी इस ह्यूमन एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सच मिस्टेक्स आर अनएक्सेप्टेबल इवन इन वार, और ऐसी गलतियों को तो युद्ध के समय भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। ईरान शुड हैव पुट इन प्लेस द हाईएस्ट सेफ्टी मेजर्स, ईरान को चाहिए कि वो हाईएस्ट सेफ्टी मेजर्स को पुट करे,
एंड फॉलोड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उनको फॉलोअप करें वाइल प्रिपेयरिंग सेल्फ फॉर एनिमी रिटेलिएशन, जब वो एनिमी से रिटेलिएशन कर रहा है, रिटेलिएशन करना, जो अपने एनिमी से बदला ले रहा है, तो ईरान को चाहिए कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को अच्छे से फॉलोअप करे। क्लियरली इट डिड नॉट डू सो, जैसा कि हमको पता है कि अभी तक उसने ऐसा नहीं किया है, एंड इनोसेंट पीपल पेड अ प्राइज, और जो इनोसेंट लोग थे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, ईरान की मिस्टेक का। बोथ ईरान एंड यूएस, बोथ के साथ एंड आएगा, दोनों ईरान और यूएस शुड ऑल्सो आस्क देमसेल्स, उनको खुद से पूछना चाहिए। राइटर कह रहा कि दोनों को खुद से पूछना चाहिए वेदर द कन्फ्रंटेशनल पाथ दे हैव चूजन, जो उन्होंने विवाद का, जो लड़ाई का पाथ उन्होंने चूज किया है, कब से, सिंस कब से, मिस्टर ट्रंप यूनिलेटरी, जब ट्रंप ने यूनिलेटरली पुल्ड आउट कर लिया यूएस को आउट, बाहर ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील से इन मई 2018। कहानी यहां से खराब हुई थी जब 2018 में, मई 2018 में यूएस ने यूनिलेटरली अपने आप को पुल आउट कर लिया ईरान की न्यूक्लियर डील से, तब से कहानी स्टार्ट हुई थी। वॉज वर्थ द रिस्क, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रिस्क ही मिलेगा। ओके यहां से हम ऐसे पढ़ सकते हैं, बहुत दोनों ईरान और यूएस को चाहिए कि अपने आप से पूछे कि जो उन्होंने रास्ता चूज किया है लड़ाई का, वॉज वर्थ द रिस्क, ये सिर्फ सिर्फ वो सिर्फ क्या देगा आपको, रिस्क देगा और कुछ भी नहीं देगा। बहुत कंट्री, दोनों जो देश है ऑन द ब्रिंक ऑफ एन ऑल आउट वॉर अर्लियर दिस वीक, अश्विनों के पिछले हफ्ते दोनों दोनों देश है एक युद्ध के कगार पे बैठे हुए थे। एटलीस्ट 26 पीपल, जिसमें 226 पीपल मोस्टली ईरानियन, जिसमें ज्यादातर ईरानियन हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइव्स, अपनी लाइफ को गंवा चुके हैं इन ट्रेजडी, ट्रेजडी में रिलेटेड टू द सुलेमानी किलिंग, जो सुलेमानी की किलिंग हुई उसमें एक ट्रेजडी हुई, और ट्रेजडी क्या थी, और 50 वर किल्ड, जिसमें 50 लोग मारे गए इन स्टैम्पेड, एक स्टैम्पेड में, भगदड़ में, एट द फ्यूनरल, उसके फ्यूनरल पे है। तो उसमें लगभग 226 पीपल है अभी तक जो मारे गए हैं, और उसमें 50 थे वो सिर्फ स्टैम्पेड में मारे गए। इफ ईरान इज सिंसियर इन इट्स अपोलॉजी, और अगर ईरान अपनी अपोलॉजी में, अपनी माफी में सिंसियर है, इट शुड नॉट ओनली अनअर्थ व्हाट हैपेंड एंड पनिश द कल्प्रिट, उसको ना सिर्फ अनअर्थ करना चाहिए जो भी हुआ, उसको रिवील करना चाहिए एंड पनिश करना चाहिए कल्प्रिट को, जो भी दोषी है, बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, लेकिन इसके साथ टेक इमीडिएट स्टेप, उसको चाहिए कि इमीडिएट स्टेप लिए जाए रिड्यूस करने के लिए जो भी टेंशन है यूएस और ईरान के बीच में। फ्रेंड्स इट वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल, लेट्स गो थ्रू द वोकैब एंड यू कैन पॉज इट एंड राइट डाउन इट। थैंक यू वेरी मच।